it and the catch has been taken. That's a win for Netherlands. An inspired captain's innings fueled a result for the ages. Last year the Netherlands showed what's possible, and this time around in Durham Charlotte, they claimed their very first ODI win over South Africa. It's Dutch delight. <laughs> another day and another upset. अफगानिस्तान के इंग्लैंड को हराने के बाद और एक वर्ल्ड कप के पहले और बड़े अपसेट के बाद नैदरलैंड ने कहा भाई मस्त है अपने को भी करने का और उन्होंने दिखाया अपने मौज से और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के बाद जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका को ही हराया था दोबारा ओडीआई वर्ल्ड कप लॉन्ग फॉर्मेट जो कि बहुत मुश्किल होता है उसमें भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को पेल दिया और ये मैच जीत गए 50 प्लस रनस से और ज़बरदस्त एक अपसेट किया और ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था अफगानिस्तान वाला फिर भी एक्सपेक्टेड है कि यार वो किसी भी दिन किसी बड़ी टीम को इजीली हरा सकती है लेकिन नैदरलैंड जो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आया उसमें उन्होंने टॉप किया और साउथ अफ्रीका की टीम जिसके पहले मैच में चार सौ अट्ठाईस बनाए श्रीलंका की अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट और दूसरे मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और तीसरे मैच में क्या हुआ जब सब सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका इस बार पीक करेगा और इन्हें अंडर डोक नहीं समझे और इन्हें कोई काउंट ही नहीं कर रहा था कि टॉप फोर में होंगे उन्होंने कहा नहीं यार हम चोकर्स हैं तो हमें चोकर्स ही रहने दो और नैदर के हाथ वो हार गए और उन्होंने बताया कि नहीं यार ये सी है ना चोकर्स का ये हमारे साथ ही रहने दो ये प्लीज़ किसी को ना दो तो ये सब कुछ और बहुत जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हो रहा है डिस्कस करेंगे आज की इसकी क्रिकेट स्टोरी में तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो यार नैदरलैंड ने तो हरा दिया साउथ अफ्रीका को लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब कोई छोटी टीम किसी सीना कंट्री में से साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या इंग्लैंड को हराती है और किसी वेस्ट इंडीज़ वगैरह को तो जो छोटी टीम होती है उनकी बारे में बात होती है यार उन्होंने बहुत अच्छा खेला और दे आर अमेजिंग उन्हें बहुत पोटेंशियल है और ये है वो और सेम केस अगर इंडिया या पाकिस्तान ऐसी में से किसी टीम से हार देता है या अपसेट करवा देता है तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं और इस तरह के लोग हैं वो उल्टा अपनी टीम को बैश करने लगते हैं कि यार हाउ डेड दे कि इन्होंने जब 126 पे सात थे तो 245 कैसे बनने दिए इन्होंने ये क्यों नहीं किया इन्होंने वो क्यों नहीं किया सारे कीबोर्ड बोर्ड वॉरियर सारे एक्सपर्ट सब मौसमी एक्सपर्ट फैन उठ कर आ जाते हैं तो भाई ये भेदभाव क्यों ये डबल स्टैंडर्ड क्यों जब आप पाकिस्तान इंडिया के, के केस में अपनी टीम को बैश कर रहे हैं तो दूसरी जब टीम हार रही है बड़ी जैसे उस दिन इंग्लैंड हारी आज साउथ अफ्रीका हार गई तो तब भी आप जो है इन टीमों को बैच करें ना रहे आप छोटी टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के केस में भी यही करें कि आप दूसरी टीम को अप्रिशिएट करें लेकिन नहीं भाई ये लोगों के डबल स्टैंडर्ड है और हमेशा ऐसी ही होता है हमेशा ऐसे ही होता है ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान का मैं इसलिए मैंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो लेजेंड्स हमारे रिटायर होकर बैठे हैं खुद जो है उनके अगर तो आप नंबर उठा के देख लें तो हमें क्या उनको ख़ुद को शर्म आ जाए लेकिन आज वो बैठ के ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि यार उनकी तो सौ इंटरनेशनल हंड्रेड है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है और वो अनबीटन है अनटचेबल है और उन जैसा कोई है ही नहीं हर भाई ये मौसमी एक्सपर्ट्स और हमारे जो सीनियर लेजेंड्स हैं सो कॉल लेजेंड्स कहूँगा ये नहीं सुधरेंगे लेकिन आज बाकी नैदरलैंड ने बहुत ज़बरदस्त खेला मुझे लगता है बहुमा ने मारा भंड क्योंकि टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग करने का जो फैसला था वो उन्हें कर गया फायर उन्होंने कहा ओवरकास्ट कंडीशन है सेकंड बैटिंग करेंगे तेज़ खेलेंगे अगर कभी भी बारिश आई तो हम पार स्कोर पर होंगे हम ईजीली जीत जाएंगे बट कुदरत का निज़ाम हिट बैक और कुछ और भी प्लान थे ऊपर वाले के और उन्होंने 245 फोर्टी फाइव किया स्ट्रगल करते करते बट स्टिल मुझे लग रहा था कम्पेरिटिव टोटल है मैं मैच देख रहा था और वही हुआ जहां ओपनर्स गए मैंने कहा लो भाई चालीस पे चार अब ये कहानी गई सिर्फ मिलर के आसरे पे खड़ी थी और मिलर को एक चांस मिलने के बाद भी वो मैच फिनिश नहीं कर पाए और नैदरलैंड को मिली ज़बरदस्त विक्ट्री तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए और ज़बरदस्त आपने बहुत अच्छा खेला और आपने बहुत अच्छा किया कि जो आपका अपसेट था और ये पेंडिंग था ये आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट निकाला हम और न्यूजीलैंड फॉर्चुनेटली इससे बच गए पर दूसरी तरफ बात करेंगे यार कि इंडिया के कोई लॉयर हैं उन्होंने मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट जो है क्राउंड में उन्होंने नमाज़ पढ़ ली थी कोई केस वेस फाइल कर दिया है कुछ सीन कर दिया है ओ भाई इंडिया वालों तुम लोग चांद पे पहुंच गए लेकिन तुम तुम्हारी अकले जो हैं तुम्हारा दिमाग जो है वो ज़मीन के भी 500 फीट या पाँच सौ हज़ार फीट नीचे पड़ा हुआ है अबे भाई ग्रो अप बड़े हो जाओ भाई मैं सारे अपने हिंदू फॉलोअर्स और जितने भी हमारे इंडियन नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं दोस्त हैं फॉलोवर हैं उन्हें बताता चलूँ देखिए मुस्लिम पे ना ये जो नमाज है ये फ़र्ज़ है ना और हमारी कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस होती है कि आपको छोटी छोटी विंडो होती है दिन में पाँच टाइम आपको ये अदा करनी होती है उसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है आप बाज़ु हो और एक थोड़ा पाक साफ हिस्सा देखें आप नमाज बासानी अदा कर सकते हैं अब मैच में छोटे छोटे पाँच दस मिनट के ब्रेक्स होते हैं तो मोहम्मद रिजवान ने कहा यार हम वहीं कर लें ना किसी की कोई रिलीजियस या पर्सनल सेंटीमेंट हेड हुआ न कुछ हुआ उस गरीब ने हर कहीं इसी तरह करा है यार ग्राउंड में और भी इतनी ऑफेंसिव चीज़ें हो रही होती हैं लोग मिडिल फिंगर्स दिखा रहे हैं अब कर रहे हैं ठीक है एक दूसरे को मॉक कर रहे हैं और गलत गलत प्ले कार्ड कर रहे हैं ज़्यादा ढूंढ नहीं जाऊँगा अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो अहमदाबाद के क्राउड ने माशाल्लाह सब अपनी अकात दिखाई है औकात दिखा ही कहूँगा वो सब नहीं देखा है तो यार इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मोहम्मद रिजवान भाई हमारे नवाज भी नहीं पढ़ सकते यार मुझे ख़ास तौर पर पर्सनली कोई इशू नहीं है अगर इंडिया वाले या कोई हमारे क्रिस्टर्न क्रिकेटर हैं वो अपने मंदिर वंदिर का सेटअप लगा लें हमें कोई इशू नहीं है लेकिन आपको भी मेरे ख्याल से इस चीज़ पर एटलीस्ट कोई इशू नहीं होना चाहिए बाकी उन्होंने केस फ़ाइल किया देखते हैं क्या होता है मुझे लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उसी तरफ भाई वो इंडिया की एक टॉप मॉडल है उर्वशी लुटेला, जो पता नहीं ऋषभ पंत की बंदी है कभी लगता है नसीम शाह के पीछे पड़ी हुई है वो भी कोई मैच वैच देखने आई थी उनका 24 कैरेट गोल्ड आईफोन चोरी हो गया अच्छा यार इंडिया वालों तुम तो मजाक उड़ाते हो पाकिस्तानियों कि गरीब है हमारे पास खाने को पैसा नहीं है और पाकिस्तानी जो है मज़े कर रहा है इंडिया में पेट भर के खाना मिल रहा है और हम लोग आटे की लाइन में मर रहे हैं और हमारे स्नैचिंग हो जाती है चोरी झपट हो जाती है चोरी डकैती हो जाती है लेकिन आप तो भाई बहुत जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो तो आपके यहाँ भी ऐसे लोग होते हैं कि आपकी चीज़ें चोरी हो जाएँ और आपका इस तरह से सीन पार्ट हो जाए और मुझे ही लगता है उर्वशी रुटेला जिस तरह की जो सेलिब्रिटी है वो किसी नॉर्मल जगह पर बैठी होंगी क्योंकि उनका सीटिंग अरेंजमेंट भी किसी अच्छे इंक्लोजर में होगा उनकी सीटिंग जहाँ होगी तो वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं हमें तो लगता है सभी पाकिस्तान में जिस तरह से आप मॉक करते हैं और वैसे भी यार इनका जो मोबाइल हुआ है ना पहले शायद मिल भी जाता लेकिन जो उन्होंने ट्वीट पर और अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई 24 कैरेट गोल्ड वो बंदा कहीं गोल्ड शोल्ड का कैसे समझता कि फेक है या आर्टिफिशियल है अब तो वो कभी नहीं देगा तो आप इसको भूल ही जाए और आप यार प्लीज़ नसीम शाह को भूल जाएँ क्योंकि जब से आपने उनके पीछे पड़ी है ना उन इंजरी उनकी जान नहीं छोड़ दी है तो आप उनकी प्लीज़ जान छोड़ें ताकि इंजरी हमारे नसीम शाह की जान छोड़े और वो इसी तरह हमें हर ग्राउंड में परफॉर्म करता हुआ नज़र आए तो भाई आज के मैच के साथ सारी टीम ने हमने तीन तीन मैच खेल लिए जिस पे टॉप पे इंडिया न्यूजीलैंड है जो कि अनबीटन है उसके बाद आती है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान जिन्होंने एक एक मैच हारा दो दो जीता और उसके बाद सारी टीम ने एक एक मैच जीता एक्सेप्ट श्रीलंका तो अभी तक की ये हालात है और मेरे ख्याल से अभी तक बहुत ज़्यादा ओपन है टेबल और जो मुझे लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट 75 फाइव टू एटी परसेंट सेमीफाइनल टॉप फोर के लिए क्वालिफ़ाई कर चुकी है छोटी टीमें अपसेट कर रही हैं जैसे इंग्लैंड हारा अफगानिस्तान से नैदरलैंड ने हारा है साउथ अफ्रीका को तो टॉप फोर में जो कंपटीशन है ना और जैसे हम जैसी टीमें हमारी पाकिस्तान जो मर मर के जाती है जिन्हें नाइट हंड्रेड का मसला हो जाता है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है क्योंकि ऊपर का जो मैदान है वो टॉप टू स्पॉट के अलावा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका भी हार गया इंग्लैंड भी हार गया तो अब मेरे ख़्याल से अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा लेते हैं तो हमारे लिए भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है सिचुएशन लेकिन मसला ये ऑस्ट्रेलिया भी दो मैच में हार कर आया है तो वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मारेगा और कम जैम्पा ने कह भी दिया कि जो पाकिस्तान का मैच है वो इतना ईजी नहीं है और हम इसमें जो है जान मार देंगे और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया वालों की हमारी पुरानी दुश्मनी है भैया ऐसे इवेंट में वो हमें नहीं बख्शता है लास्ट टाइम हमने उन्हें बारह साल पहले हराया था दो वर्ल्ड के वर्ल्ड कप में और वह लीग मैच था तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है और उसी के बाद जो वीकेंड है संडे उसमें साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच है दोनों टीमें जो है अपसेट का शिकस्त खा कर आई हैं अब देखते हैं वो किस तरह कम करती हैं और अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारती हैं और जो हारती है वो फर्दर उनका जो है मोरल डाउन हो जाएगा और जीतती है तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका तो थोड़ी सेफ़ हो जाएगी लेकिन अगर इंग्लैंड जीतती है तो दोनों एक ही सिचुएशन पे आ जाएंगे चार मैच खेले दो हारे दो जीते तो इसी तरह सिलसिला इस चलता रहेगा और अब देखते हैं आगे का किस तरह करता है जैसे मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड इंडिया मुझे लगता है 80 परसेंट थ्रू कर गएंगे सेमीफाइनल में और जो टॉप थ्री और फोर की स्पॉट लगती है मुझे लगता है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में से एक लेगा और ऑस्ट्रेलिया मुझे थोड़ा नॉकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इन फ्राइडे को हम हरा रहें और मिलेंगे इन शाला फिर नई वीडियो में नए एनालिसिस और नई चीज़ों के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़